हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओलंपियाड का एक क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखते हैं, डिवाइड रुपीज 3010 अमंग ए बी सी रिस्पेक्टिवली इन सच अ वे दैट ए गेट्स डबल ऑफ व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स डबल ऑफ व्हाट सी गेट्स। तो तीन लोगों में 3010 रुपीज को डिवाइड किया गया है, वो फर्स्ट है ए, सेकेंड है बी और थर्ड है सी। सी को जो है वो सबसे कम मिला है, बी को उससे डबल मिला है और ए को बी से भी डबल मिला है। तो सी को मान लेते हैं एक्स मिला है, तो बी को जो इससे डबल मिला है तो ये 2x हो गया और ए को जो मिलेगा बी से भी डबल है मतलब ये 4x हो गया। अब ये तीनों मिलके जो आएंगे वो किसके बराबर आएंगे, 3010 के बराबर आएंगे। तो टोटल एक्स हो गए हमारे पास 7x, 7x इक्वल टू 3010। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है हमको, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 3010 अपॉन 7। तो ये आ गया है इक्वल टू, एक्स इक्वल टू आया है 430। तो एक्स जो मिला है वो सी को मिला है, तो ये जो अमाउंट है वो किसका अमाउंट आ गया है, सी का अमाउंट आ गया है। अब हम बी का निकालते हैं, तो बी को जो मिला है वो है 2x। तो 2x मतलब x की वैल्यू को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया है आपका 860 रुपीज। ये मिल गया है बी को, 860 रुपीज बी को मिला है। अब ए का देखते हैं, ए को जो मिला है वो है 4x। तो 4x मतलब 4 में मल्टीप्लाई करना है 430 को, क्योंकि 430 x की वैल्यू है। तो ये मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1720 रुपीज। ये आ गए हैं ए को, तो ए को मिल गए हैं 1720 रुपीज, बी को मिले हैं 860 रुपीज और सी को मिले हैं आपके 430 रुपीज। इस तरह से 3010 को डिवाइड किया है। हेलो फ्रेंड, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ओलंपियाड का। इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। आपको ऐसे स्क्वायर की साइड पता करना है जिसका एरिया और पेरीमीटर इक्वल है। तो अब पहले हम पेरीमीटर का फॉर्मूला देखते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका 4 इंटू साइड, और जो एरिया का फॉर्मूला था स्क्वायर का वो होता है साइड इंटू साइड। अब ये ऐसा स्क्वायर है जिसमें पेरीमीटर और एरिया इक्वल है। इसका मतलब है कि पेरीमीटर इक्वल टू एरिया, इसका मतलब है 4 इंटू एस इक्वल टू एस इंटू एस, साइड इंटू साइड। अब हमें तो फाइंड करनी है साइड, तो साइड फाइंड करनी है, साइड ये साइड को इधर लेके आते हैं, तो 4 इक्वल टू साइड इंटू साइड, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे चली गई साइड आपकी, और एक साइड से एक साइड कैंसिल हो गई, तो 4 इक्वल टू एस। तो साइड जो आई है वो क्या आई है आपकी, 4 यूनिट। तो जो आपका ऑप्शन है वो 4 यूनिट करेक्ट है, मतलब कि 4 सेंटीमीटर हो सकती है, 4 मीटर हो सकती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ओलंपियाड का। प्रिया बेंट अ प्लास्टिक वायर टू फॉर्म द गिवन फिगर। ये फिगर देखना है। द फिगर इज मेड अप ऑफ 4 स्क्वायर्स एंड 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो स्क्वायर बने हैं ये तो सारी साइड इक्वल हो गई स्क्वायर की, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका मतलब है इनकी साइड्स भी इक्वल हैं। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। आपको वायर की लेंथ पता करना है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक जो दिया है वो 20 सेंटीमीटर है। अब 20 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है 4 पार्ट में, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। अब 20 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया, इसका मतलब ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5। अब ये जो स्क्वायर है ये तो स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल, ये भी 5, ये भी 5 इस तरह से, और ऐसे ट्रायंगल है ये भी 5 और ये भी 5। अब जो एक फिगर बना है उसमें कितनी साइड्स आ रही हैं, तो ये साइड आ रही हैं आपको, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करना है तो पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो ये हो गया 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। अब 5 सेंटीमीटर की एक शेप में आ रही है 5 साइड, तो एक शेप के लिए 1 शेप जो फिगर बना है उसमें कितना लग रहा है, 5 इंटू 5 मतलब 25 सेंटीमीटर फॉर 1 फिगर।
जो आपका ये वन फिगर जो है, वन शेप जो आ रहा है, इसके लिए 25 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आपके पास तो फोर दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो 25 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 100 सेंटीमीटर। तो वायर की लेंथ इस तरीके के शेप को बनाने के लिए जो चाहिए वो होगी 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इज द करेक्ट क्वेश्चन है। आई हैड रुपीज 350 विथ मी, आई गेव रुपीज एक्स अपॉन टू टू अमित, एक्स अपॉन थ्री टू श्रेया, एंड आई एम लेफ्ट विथ रुपीज एक्स अपॉन थ्री। द अमाउंट आई गेव टू अमित, अमित का अमाउंट आपको पता करना है। अब देखते हैं एक्स अपॉन थ्री तो उसके पास खुद बचा है, एक्स अपॉन टू ये उसने अमित को दिया है, एक्स अपॉन थ्री उसने श्रेया को दिया है। तो अब टोटल जो आएगा वो आएगा 350 आ गया टोटल। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया है आपका 6, यहाँ पे हो गया 2x, यहाँ पे हो गया 3x, और ये हो गया 2x इक्वल टू 350। अब सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो टोटल हो गए हैं आपके 47x अपॉन 6 इक्वल टू 350। तो x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 350 इंटू एक्स हो जाएगा और नीचे आपका 7 आ जाएगा, तो ये 7 से कैंसिल किया आपने और इक्वल टू आ गया 300। तो x की जो वैल्यू आई है वो रुपीज 300 आई है। अब आपको पता करना है अमित का अमाउंट, तो अमित को जो मिला है वो है x अपॉन टू, तो x अपॉन टू पता करना है। तो अमित को जो मिला है, अमित का शेयर जो है वो है आपका x अपॉन टू, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो वो है 300 अपॉन टू, मतलब कि इक्वल टू 150 रुपीज। दोबारा ओलंपियाड का क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बॉटल पी टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बॉटल क्यू इज 3:4। ये आपकी एक पी बॉटल है और एक आपकी ये क्यू बॉटल है। अब इनका जो रेशियो है वाटर का वो है 3:4, तो हम मान लेते हैं ये 3x है और ये है आपका 4x। अब राजीव ने ड्रिंक किया है, पी लिया है 40 ml ऑफ वाटर फ्रॉम बॉटल पी, पी में से उसने 40 ml पी लिया, मतलब कि 40 ml इसमें से कम हो गया, ठीक है। एंड देन रेशो बिकम्स, और अब इनका जो रेशो है वो हो गया है 13:20। तो अब इसको हम प्रपोर्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो प्रोपोर्शन के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 3x माइनस 40, क्योंकि 40 ml पानी पी लिया है उसने, ये रेशो है 4x क्यूब में जितना वाटर है उसका। अब प्रोपोर्शन साइन, और हम लिख सकते हैं बाद में जो पीने के बाद जो रेशो रह गया है वो है 13:20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो मीन्स का प्रोडक्ट होगा और जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका 20। अब 20 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3x माइनस 40 से, और इक्वल टू आना चाहिए 4x इंटू 13। अब 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 60x माइनस, अब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 60x माइनस 800 इक्वल टू 52x। अब x को हम इधर लाएंगे और 800 को उधर ले जाएंगे, तो ये 60x माइनस 52x इक्वल टू, ये माइनस का था पॉजिटिव हो गया 800, तो ये आपके कितने बचे 8x इक्वल टू 800। तो x की जो वैल्यू आई वो आई है आपकी 800 अपॉन 8, मतलब कि 100। तो x की वैल्यू 100 आई है। अब इसमें जो क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर वॉज देयर इन बॉटल p एट फर्स्ट, फर्स्ट टाइम में कब कितना पानी था, तो फर्स्ट टाइम में जो बॉटल में पानी था p में जो था वो था 3x, 3x था ये p का। तो x की वैल्यू तो अब 100 आ गई है,
तो इनिशियली जो वाटर था बॉटल पी में वो क्या था, 3 × 100, मतलब कि 300 ml वाटर जो था वो शुरू में बॉटल पी में था। एक और क्वेश्चन देखते हैं ओलंपियाड के लिए, तो ये है शेयर ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर कितना होगा, ये आपको पता करना है। ए बी सी तीनों का शेयर पता करना है। टोटल जो मनी है वो रुपीज है 5460 को डिवाइड किया गया, किस हिसाब से किया गया, फर्स्ट ए का शेयर है 1/2, बी का शेयर है 1/3 और सी का शेयर है 1/4, इन तीनों का जो रेशियो है। अब ये तीनों का रेशियो है इसको हम लिख लेंगे, मान लेते हैं कि ए का जो शेयर है वो, इसको मान लेते हैं ए का 1/2 दिख रहा है तो ये मान लेते हैं x/2 है, बी का मान लेते हैं हम x/3 और सी का मान लेते हैं हम x/4। तो अब इन तीनों का जो सम आना चाहिए वो जो टोटल अमाउंट है उसके इक्वल आना चाहिए 5460। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं कि x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इक्वल टू कितना आना चाहिए आपका 5460। अब इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम आ गया है आपका 12 लिया तो यहां आ गया 6x, यहां आ गया 4x और ये आ गया है आपका 3x इक्वल टू 5460। अब 10, 13 ये आ गया है आपका 13x टोटल हो गए हैं और 5460 12 ऊपर चला गया, ये 12। अब 13 को नीचे लाते हैं तो x की वैल्यू फाइंड की तो 5460 × 12/13। जब आपने 13 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया है आपका 420। तो x इक्वल टू आ गया है आपका 420 × 12 इक्वल टू 5040। x की वैल्यू आई है 5040। अब हमें a b c तीनों का पता करना है कि कितना उनका शेयर होगा। तो सबसे पहले a का देखते हैं, तो a का था आपका x/2। तो x/2 का आपने किया तो ये आपको x की वैल्यू है 5040 का, इसका हाफ करना पड़ेगा तो ये आ गया है आपका 2520 रुपीज एक्स का इतना शेयर हो गया। ए का शेयर आ गया ये। अब बी का शेयर देखते हैं, तो बी का शेयर है x/3, तो वही करना है 5040 को, थर्ड पार्ट इसका कितना होगा वो आ गया है 1680 रुपीस। ये बी का हो गया शेयर। अब सी का शेयर देखते हैं, तो सी का है x/4, तो ये हो गया 5040 को आपको डिवाइड करना है 4 से तो आ गया है 1260। तो ये है सम ऑफ रुपीज 3690 को डिवाइड करना है पी क्यू आर एस में और उनका जो रेशियो रहेगा वो इस तरह से रहेगा और इक्वल टू 4/5। अब हमें एक एक का शेयर पता करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एस का शेयर ये वाला सबसे लास्ट में है तो इसको हम लिख सकते हैं आर और एस का जो शेयर है वो इक्वल टू 4/5 है। अगर एस के शेयर को, एस का शेयर मान लेते हैं हम एक्स, ठीक है, एस की जगह x लिख लेते हैं, तो जो r का जो हम शेयर निकालेंगे तो r का जो शेयर होगा वो होगा 4/5 x, ये यहां आ जाएगा 4/5 x। तो r का जो शेयर है वो है इतना। अब इसके हिसाब से दूसरा देखते हैं, तो दूसरा जो है q का शेयर और r का जो शेयर है इसका रेशियो भी 4/5 ही होगा क्योंकि ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अब R का हमने निकाल लिया, तो R का निकाल लिया तो Q का आसानी से निकाल सकते हैं। तो Q का जो शेयर होगा वो होगा आपका
ये 4/5 और r इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो r का शेयर है वो भी मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 4/5 x, ये हो गया आपका q का शेयर। अब r का हो गया, q का हो गया, अब हम देखते हैं आपका p का शेयर। p का शेयर क्या होगा, तो p के लिए भी p का जो शेयर है और जो q का शेयर है वो भी 4/5 है। अब हमने q का तो निकाल लिया है, तो q का शेयर, p का निकालना है तो q इधर जाएगा, q की वैल्यू इसके साथ, ये q की वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो p का जो शेयर होगा 4/5 और q का यहाँ पे वैल्यू आपको ऐड करनी पड़ेगी 4/5 × 4/5 x, इस तरह से। तो r का जो शेयर आया है 4/5 x आया है, q का जो शेयर आया है 4/5 × 4/5 x, इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं 16/25 x, ये भी लिख सकते हैं। इस तरीके से जो p का शेयर आया है वो आ गया है 4/5 × 4/5 × 4/5 x, मतलब कि ये हो गया 64/125 x, तो ये p का शेयर हो गया। अब जो p, q, r और s का हमने सपोज कर लिया था x, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे p का जो शेयर है वो है 64/125 x प्लस q का जो शेयर है वो है 16/25 x, r का जो शेयर है वो है 4/5 x और जो s का हमने माना था वो शेयर है x, और ये चारों शेयर मिलके आने चाहिए आपके 3690। अब LCM लेंगे हम इनका, तो LCM आपने लिया तो ये आ गया आपका 125। अब यहां पे आ गया 64x, 80x, यहां आ गया आपका 100x और ये आ गया आपका 125x इक्वल टू 3690। ये हो गया 369x, टोटल x हो गए हैं, अपॉन 125 इक्वल टू 3690। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल टू हो गया आपका 3690 × 125 / 369। 369 से ये कट गया, 10 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 1250 रुपीस। अब हमें निकालना है q का शेयर, तो जो q का शेयर था वो था q इक्वल टू 16/25 x। अब x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो q इक्वल टू का q का शेयर आ गया 16/25 × 125 से कैंसिल किया, तो ये 50 और ये आ गया है ₹800। तो Q का जो शेयर आएगा वो आएगा ₹800 और